सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती ओवर्स में टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम इंडिया दबाव में आ गई, लेकिन विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि इसका कुछ श्रेय न्यूजीलैंड के फील्डर्स को भी देना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने बेहद लचर फील्डिंग की और विराट कोहली जब बहुत कम स्कोर पर थे तभी उनका कैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तो विराट ने कोई मौका नहीं दिया, मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए। लेकिन मैच के बीच में एक ऐसा वाक्य भी हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ट्विटर पर तो लोगों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। हुआ दरअसल यूं कि 25वें ओवर में जब विराट कोहली ने एक छक्का लगाया, उस छक्के को बाउंड्री लाइन पर खड़े एक बच्चे ने लपक लिया। जी हां, और एक हाथ से उस कैच को लपकने के बाद वो बच्चा बेहद खुश हुआ और विराट कोहली हैरान रह गए। यहां तक कि न्यूजीलैंड के फील्डर्स भी देखते रह गए, खासकर बाउंड्री पे खड़े जो फील्डर थे उन्होंने तो उस बच्चे से बात भी की, उसे शाबाशी दी। हालांकि तारीफ करनी होगी इस बच्चे की कि जिस तरीके से उसने बाउंड्री पर एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड के फील्डर ये सोचने पर जरूर मजबूर हो गए होंगे कि हम कैच छोड़ रहे हैं और वो कैच पकड़ रहे हैं, थोड़ी सीख तो बच्चे से लेनी ही चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।